ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। प्रतापगढ़ में आवारा पशुओं को ग्रामीणों ने हॉस्पिटल में किया बंद। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के पूरब गांव पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल की बनी हुई बाउंड्री में आवारा पशुओं से तंग आकर किसानों ने सारे आवारा पशुओं को पशु चिकित्सालय की बाउंड्री में बंद कर दिया। बंद करके ग्रामीण चारा पानी देकर उसी में खिला रहे हैं। ग्रामीण आवारा पशुओं से तंग उनकी हरी भरी खेती और खेती को चौपट कर रहे हैं। आवारा पशु मौजूदा सरकार के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। 100 नंबर की पुलिस पहुंचकर मौके पर खुलवाया जाम। शांत कराए ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी एवं सरकार आवारा पशुओं के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए, किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। के लिए ये सरकार जिम्मेदार है। सारे किसान अपनी सारी पूंजी लगा करके रात दिन करके किसी तरीके से बुवाई किए और जैसे ही फसल उगी नहीं कि चरना शुरू हो गया है और सारी लागत सारी मेहनत रात दिन ठंडी में बताइए हम लोग जानवरों को के पालने के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं करेगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कैसे जीविका चलेगी किसानों की। इनके लिए अपना गौशाला बनवावे चाहे कांजी हाउस खुलवावे और इनके लिए चारा पानी की व्यवस्था करें अपने हिसाब से। सारी व्यवस्था कर सकते हैं तो इनके लिए क्यों नहीं कर सकते। राम कृपाल पांडे पूरब गांव मनोजपुर। अरे भैया ये सरकारी अस्पताल है उसके सामने ले आके के है यहाँ बीज भंडार में। समस्या को का निस्तारण नहीं किया गया तो किसान करेंगे बड़ा आंदोलन। मौजूद रहे किसान जगदीश नारायण पांडे, कृपा शंकर पांडे, हरिश्चंद्र झा, रामचंद्र ओझा, अन्य बहुत से ग्रामीण रहे मौजूद। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभाओं में सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि सही ढंग से खर्च नहीं की जा रही है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्रतापगढ़ से टाइम सिटी न्यूज के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब।